गाने से हमने जो शुरुआत की है कि जैसा कि हमारा मोटो रहा है बिकल म्यूजिक का कि नए कलाकार नए कंपोजर और नए वीडियो डायरेक्टर को आगे लाया जाए उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए क्योंकि क्या होता है कि म्यूज़िक कंपनीज जो भी हैं वो ज़्यादातर जो एस्टेब्लिश लोग हैं उनको प्रमोट करते हैं या उनके लिए प्लेटफॉर्म रहता है। पिकल म्यूज़िक का शुरुआत से ही ये कोशिश रही है कि पिकल म्यूज़िक नए कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करती है, नए संगीत को, नए लिरिसिस्ट को। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा टैलेंट है मार्केट में और इतनी ज़्यादा कंपोज़र और लिरिसिस्ट हैं कि आप अगर करना चाहें तो बहुत कम है। और मुझे लगता है कि बहुत से टैलेंट प्रॉपर प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। और इस समय सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पैकेजिंग है, मार्केटिंग है म्यूज़िक का, और उस दिशा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। माने म्यूज़िक बन तो जाता है लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंचता, तो हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो है म्यूज़िक का उस पर ज़्यादा फोकस किया है। उसके बाद हमने उसका सोशल मीडिया है या डिजिटल प्रमोशंस है उसकी ओर हम खास तौर से ध्यान देते हैं, क्योंकि हम हर गाने को हम एक बड़ा गाना समझते हैं, फिर वो चाहे हरिहरन जी का हो या श्रुति जैसे नए सिंगर का हो। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके पास अगर कोई अच्छा कलाकार है, कोई अच्छा टैलेंट है और उसको आपको लगता है कि ये नहीं अगर ये आएगा आगे तो इसका कैरियर बन सकता है, तो ऐसे लोगों को आप हमारे तक उनके काम को, उनके वीडियोस को, उनके गानों को भेजिए और हम ज़रूर उन लोगों को प्लेटफॉर्म देंगे। खुशी तो बहुत हो रही है और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है कि ऑडियंस को गाना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन आई थिंक अच्छा ही लगेगा ज़रूर क्योंकि उतना अच्छा बना है। खास किस्सा अगर शेयर करना चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा था, शूटिंग एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, पूरी टीम बहुत अच्छी थी, एक्टर भी बहुत अच्छी थी, सब ने अच्छे से काम किया हुआ है और लेट्स सी ऑडियंस का रिएक्शन कैसे आता है। एंड थैंक यू सीमा, आपका व्यू फर्स्ट व्यू मुझे भी आपने गाना देखा नहीं लगता, देखा है मैंने, गाना देखा है, पहले देख लिया, यस पहले देख लिया था, तो मुझे पता है कि आउटपुट बहुत अच्छा है। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हर आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि आपका म्यूज़िक लॉन्च हो रहा है, आप लोगों के सामने दिखने वाले हो, मतलब हर आर्टिस्ट इसी चीज़ के लिए मेहनत करता है। आई एम वेरी हैप्पी। केमिस्ट्री मतलब हम लोग जैसे सेट पे मिले ना, हम 5 मिनट में दोस्त बन गए थे, तो केमिस्ट्री हमारी 5 मिनट में ही हो गई थी। गाना सुनते सुनते वो सब बढ़िया हो गया, हम लोग बातें कर रहे थे, हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स निकले इंस्टाग्राम पे, फिर हमने एक दूसरे को फॉलो किया, बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स निकले, तो केमिस्ट्री हो गई 5-10 मिनट। तरह के गाने उनके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे, मतलब पार्टी सॉन्ग है, लव सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, तो हर तरह के गाने आपको सुनने को मिलेंगे। तो आपको मुझे सबको कहना है कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स भी करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फीलिंग्स मैंने बहुत अच्छे से लाइक सुने एंड अगर मुझे समझ में आ गया इसका मीनिंग भी एंड इसका हुक लाइन काफ़ी अच्छा है, सो आई होप कि काफ़ी लाइक्स मिले इसको एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो इस समय कैसा फील कर रहे हैं लोगों का कमेंट, मतलब ये मिल रहा है आपको, ओपिनियन मिल रहा है, तो कैसा ओपिनियन दे रहा है? अभी बात चल रही थी पीछे, मैं सुन रहा था, लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे, ओपिनियन होगा एंड मेरा ओपिनियन पूछ रहे हो कि लाइक आपका लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं, क्या कुछ शेयर करना चाहिए? सब लोग गुड लक ही बोल रहे हैं एंड ये मेरा फर्स्ट है, सो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है एंड न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए एंड काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, सो बहुत अच्छा लग रहा है कि आवाज़ काफ़ी अच्छी आई है, तो काफ़ी लोगों को पसंद आया मेरा सॉन्ग। छोड़ तेरे तुला मन का मांग तेरे तुला। थैंक यू। जो हमारे उभरते हुए जो कलाकार है भारत के अंदर, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी तरह साबित हो रही है। जैसे आज कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई स्टार पुत्र हो या कोई इंडस्ट्री बॉलीवुड से हो, आपके पास अगर कोई टैलेंट हो तो पिकल म्यूज़िक जैसे प्लेटफॉर्म
आपको प्रोवाइड करता है। आज आप आपके पास अगर हुनर हो तो आप इन चैनलों द्वारा, इन प्लेटफॉर्म द्वारा मासेस में पहुंच सकते हो। एक बहुत अच्छा एक प्रयोग है, तो वो काफ़ी सफलतापूर्वक हो भी रहा है। ओके चट्टी साहब, बिना हिले कुछ बोल सकते हैं आप? तो इसको हम चाहते हैं कि आगे और बढ़ावा दे और इसको कंटिन्यूस रखे, क्योंकि हम निवेशक हैं तो हम ऐसे प्लेटफॉर्म को हमेशा चाहते हैं कि प्रोत्साहन दें, और हम काफ़ी उत्सुक हैं आगे आने वाले वक्त में भी इन जैसे टैलेंट को बढ़ावा दें और उनको सपोर्ट दें। ओके राय साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी हमारी क्या है इस गाने को लेके, और इंटायर टीम को क्या कुछ कहना चाहेंगे पिकल म्यूजिक और सदा शक्ति वगैरह? सबसे बड़ा मेरा भाई, मेरा ब्रदर है, मैं जो कुछ इसका पीछे था ये उसको डायर ये करता था। अच्छा, इन्होंने आपको आगे कर दिया? मेरे पीछे देखे नहीं, मैं इनको आगे किया। अच्छा, मैं पीछे था। अच्छा, मैं बड़ा तुम हो क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा उसको कन्वर्ट देता, पर तुम थोड़ा उसको संजय बता, तो उससे थोड़ा उसको ज़्यादा किया। और मैं सिर्फ पेरेंट्स से बाकी बोला ये कैसे बनाया, ये कैसे हुआ, और क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे म्यूज़िक को? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं पिकल म्यूज़िक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस गाने को कंपोज करने की अपॉर्चुनिटी दी। तो अपॉर्चुनिटी दी और फिर बहुत ही मज़ा आया ये गाना करने के, गाना करते हुए। फिर पहले तो श्रुति ने इतना अच्छा गाया है, नॉन महाराष्ट्रीय सिंगर है, फिर भी उसने मराठी गाना बहुत अच्छी तरह से निभाया है। फिर इस गाने के म्यूज़िक करते हुए मैं ऐसे कहूँगा कि मैं हम लोगों ने इस गाने में बहुत बड़े बड़े अच्छे इंडस्ट्री के म्यूजिशियंस ने इसमें बजाया है, लाइक फ्लूट से लेके पूरा लाइव इंस्ट्रूमेंट से लाइव बजाया है, बहुत कम प्रोग्रामिंग है। मुझे पहले तो थैंक यू बोलना है पिकल म्यूज़िक को, सदानंद सर को, समीर दीक्षित सर को एंड अमय सर को, क्योंकि जब ये मेरे पास पहली बार जब ये गाना आया था मेरे पास फॉर द प्रोडक्शन, तो अमय सर ने मुझे जब भेजा था तो श्रुति का जब मैंने आवाज़ सुना तो तभी पता चल गया था कि गाना सोलफुल होना चाहिए, गाना हैज़ टू बी मेलेडियस। तो उसमें क्या करें, तो फ्लूट एक मेलेडियस इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग्स जो यूज़ करते हैं ऑर्केस्ट्रा में वो एक मेलेडियस इंस्ट्रूमेंट है। तो यही माइंड में था कि प्रोडक्शन के वक्त इन सब चीज़ों को माइंड में रख के प्रोड्यूस करना है। तो हम लोग ने मैंने जैसे सर ने बताया कि प्रोग्रामिंग बहुत कम है और लाइव इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा हम लोग ने फोकस किया है। तो राजू कुलकर्णी जी वरद, उनके बेटे, उन्होंने इसमें बजाए, बड़े बड़े म्यूजिशियंस ने, अक्षय मासने का जो फ्लूटिस्ट है उन्होंने, इवन कोरस मैं नाम लेना चाहूँगा, साइली नाइक, कैरल मोंटी एंड जीत पाटिया, उसमें मैंने भी कोरस के साथ किया। तो हम लोग चार लोगों ने कोरस भी किया है, इवन परीक्षित कुलकर्णी जिनने इसका मिक्स मास्टर किया। तो ये सब मिलके जो बाहर जो प्रोडक्ट आया वो बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया।